अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चावलों की पिनिया गुड़ वाली, और आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत मज़े की बनने वाली हैं और ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगी। सिर्फ रेसिपी को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। नट्स जो हैं वो हम अपने तैयार कर लेंगे, नारियल को हम कद्दूकश कर लेंगे, बादामों को हम हल्का सा भरभरा कर लेंगे। इनको क्रश नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना, बस ऐसे कि ये मुँह में आए, ठीक है। और इसी तरह अखरोट जो हैं उनको भी हम ऐसे ही क्रश कर लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन से नट्स डालना चाहते हैं, पिस्ता डालना चाहते हैं, कुछ लोग मूंगफली पसंद करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि नट्स आपने कौन से डालने हैं और कितने डालने हैं, क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी से है। मुझे जो फेवरेट नट्स लगते हैं वो मैंने ये ऐड किए हैं, लेकिन लोग कुछ मूंगफली भी ऐड करते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। एक कढ़ाई में हम लोगों ने 10 से 12 ग्रीन इलायची ले ली हैं, उसको पहले सौते किया है। सौते करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब घी डाला है, देसी घी, ऑयल जो आप यूज़ करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब मेरे पास जो चावलों का आटा था, नए चावलों का आटा, वो तकरीबन 3 पाव था। 3 पाव के हिसाब से मैंने 1 पाव जो है इसमें घी ऐड किया है, क्योंकि मुझे बहुत ड्राई पिनियाँ पसंद नहीं हैं, वो ऐसे बन जाती हैं जैसे पत्थर के साथ तोड़नी पड़ती हैं। तो हम इनको बहुत नरम और सॉफ्ट बनाएंगे ताकि ये खाने में भी मज़ा आए। सो 3 पाव चावलों का आटा है, नए चावलों का आटा लीजिएगा, और उसमें हम लोग तकरीबन 1 पाव घी में हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इसका सारा प्रोसेस कुछ लोग बस ऐड कर देते हैं, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ जितना ज़्यादा हम इसको भूनेंगे इसका इतना फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होता है। तो जब इलायची में भूनते हैं इसको तो इसका अपना जो फ्लेवर है ना वो खिल के आता है चावलों का। अदरवाइज़ कच्चे भी कई लोग यूज़ करना चाहते हैं, इट्स नॉट एन इशू। अच्छा, कोई 10 से 15 मिनट भूनने के बाद स्लो फ्लेम पे हम लोग अब इसमें नट्स डाल देंगे, जिसमें हम लोग बादाम और जो है काजू, सॉरी, अखरोट वो पहले ऐड कर देंगे, एंड उसके बाद नारियल और किशमिश जो है वो हम लास्ट पे ऐड करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पकने से थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब नट्स डालने के बाद इसमें मेरी टोटल कोई मैंने आधा घंटा इसकी बनाई की है, आधा घंटा तकरीबन आप लोगों ने इसको भूनना है, और फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, बहुत स्लो नहीं लेकिन स्लो होनी चाहिए ताकि अच्छी तरह भून जाए। अब जब आपको लगे कि ये स्टिकी होने लग गया है मिक्सचर और ये जुड़ने लग गया, तब हम इस पर, हमारा ये लास्ट प्रोसेस है इसमें, मतलब हम लोग अब जो है वो किशमिश ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, जब हमें इसकी भूनने की खुशबू आने लग जाए फिर हम इसमें गुड़ की चाश ऐड करेंगे। चीनी भी लोग ऐड करते हैं लेकिन गुड़ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब मैंने 3 पाव चावलों के आटे में 1 पाव घी लिया है और तकरीबन 1.5 पाव जो है वो गुड़ की चाश ली है, 1.5 पाव गुड़ की चाश बनाई है, ठीक है। तो मोस्टली ये जो चीनी वगैरह होती है, इट्स टोटली अप टू यू। जैसे 3 पाव में हम हाफ जितना चावलों का आटा है उसका हाफ हम लोग शक्कर या चीनी ऐड करते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा करना है तो वो 2 पाव पे भी जा सकता है, और अगर इसने कम करना है तो वो 1 पाव पे भी, लेकिन हमने हाफ की रेशो रखी होती है, बड़ा एक्यूरेट मीठा होता है। अब हम जब इसमें चाश डालेंगे तो थोड़ा ऐसे गुई सा होगा और आप समझेंगे कि ये तो बहुत पतला हो गया, लेकिन जब हम इसे जू जू पकाएँगे चावलों का आटा अपने अंदर वो शीरा जो है वो अब्सॉर्ब करता जाएगा, और आप इसको अच्छे से भूनें फिर 10 से 15 मिनट, और जब भूनने के बाद आप इसका जो घी है वो बेसिकली छोड़ने लग जाएगा। जब घी छोड़ने लग जाएगा इसका मतलब है हमारी पिनियाँ तैयार है। इस पॉइंट पे आके पिनियों ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है अब हमारी ये जो है पिनियाँ तैयार हैं। और इनको हमने एक चीज़ याद रखिएगा कि गरम गरम ही जो है, मतलब बहुत गरम नहीं, जो ही थोड़ी सी गरम ठंडी हो जाए इसको हमने उसी टाइम ही पिनियों की शक्ल दे देनी है, क्योंकि बाद में ये हार्ड हो जाएगा और ये राउंड शेप में नहीं आएगा। इसका देखें, ये बिल्कुल सख्त नहीं है, नरम और बहुत मज़े की होंगी। अब इसको आप शेप दे लें, और शेप दे के आप इसको रखें, जब आपका दिल करे इसको यूज़ करें, खाएं। और रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। رحيم
يحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة